ACN24। और रायगढ़ स्टेडियम में आज 4 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया। यह प्रतियोगिता 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें 11 जोन के लगभग 1741 खिलाड़ी एवं कोच शामिल हुए थे। 4 अक्टूबर 2018 को रायगढ़ स्टेडियम में 4 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया। यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें 11 जोन के लगभग 1741 खिलाड़ी एवं कोच शामिल हुए थे। खेल प्रतियोगिता में 14 वर्ष 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए क्रिकेट, टेबल टेनिस, रोल बॉल, थाई बॉक्सिंग, चाइक्वांडो को शामिल किया गया था। कलेक्टर श्रीमती सम्मी आबिदी ने 18वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कोने कोने में खिलाड़ी छिपे हुए हैं, जरूरत है तो उन खिलाड़ियों को निखारने की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल सके। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और कोच को खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुझान लाने की जरूरत है। वहीं 18वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 11 जोन में जसपुर, रायगढ़ जोन, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, कबीरधाम, कोरिया, राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा जोन के खिलाड़ी शामिल थे। रायगढ़ DSP किरोड़ीमल आदर्श ग्राम्य भारती स्कूल कार्मेल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही टारपाली हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा शानदार बैंड का प्रदर्शन किया गया। और हमारे यहाँ पर करीब करीब 30 बच्चे टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, जिसमें से लगभग सभी में गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम ने प्राप्त किया है। मैं सारा श्रेय हमारे हेड कोच श्री देवाशीष गुप्ता जी को देता हूँ, और मेरे खिलाड़ियों की जो मेहनत है उसका फल ही आज हमको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, मैं रायपुर जोन से हूँ। यहाँ टेबल टेनिस रायगढ़ में पार्टिसिपेट स्टेट में करना आया था, और यहाँ पे हम लोग विनर बने अंडर 19 में, और उसका मैं अंडर 19 का कैप्टन हूँ। और उसके परिणाम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे कोच और मेरे टीम के प्लेयर्स को, जो ये है 2-3-4। 18वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है, और 11 जोनों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 1500 से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इस कार्यक्रम में, और अच्छा एक उत्साह का माहौल रहा इन 4 दिनों में। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ, नई प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। कोशिश यही रही कि व्यवस्थाएं अच्छी रहें, और जो टीम्स आई थी बाहर से उन्होंने भी पूरी तरीके से सहयोग किया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो 3 कैटेगरीज, चाहे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की जो कैटेगरीज थी, इन सभी बच्चों को आगे एक अपॉर्चुनिटी मिले। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आगे ये बच्चे स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे आगे बढ़ कर जाएंगे, और राज्य का और ज़िले का नाम रोशन करेंगे। तो हम लोग की यही कोशिश है कि आगे इन लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, अच्छे संसाधन और अच्छे मार्गदर्शक मिले, ताकि आगे बढ़ सके। एक खास बात आपने कही थी अपने स्पीच में, खेल मैदान जो है अच्छे मनुष्य बनाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ, और किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी ने ही ये बात कही थी कि खेल के मैदान में खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक मनुष्य भी बनते हैं, क्योंकि वो सारी क्वालिटीज़ जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में चाहिए होती है, वो सब हमें खेल मैदान में सीखने को मिलती है। चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो टीम स्पिरिट हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो संवेदनशीलता हो, चाहे वो सहनशीलता हो, ये सब हम खेल मैदान में ही सीख पाते हैं। चाहे हमारी हार को हम किस प्रकार से एक्सेप्ट करके आगे उसको सुधारते हुए बढ़े, ये सारी क्वालिटीज़ हमको खेल मैदान में, किसी भी खेल में को खेलते समय हम सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे खेल में इन्वॉल्व रहते हैं और खेल में मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में ध्यान देते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास में डेफिनेटली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और व्यक्तित्व विकास में एक निखार ही लाता है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।